आपने भी कहा कि अपने बच्चों के मुरबी बनने की कोशिश करें एक और जगह पे आप का मैंने सुना था आप कह रहे थे तकवा जो है वो कंटेज़स होता है तो मैं इन दोनों को आप इसमें रिलेट करके आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बुराई में जितनी अट्रैक्शन है आ, इस हलिया के साथ बच्चे मुरबी नहीं चाहते जो होलिया हम तखवा की खातिर अख्तियार कर रहे होते हैं इस लिहाज से आप जरा थोड़ी रहनुमाई करेंगे अच्छा तो होलिये का तकवे से कोई ताल्लुक नहीं है थोड़ा बहुत तो है देखिए नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं है यानी जो बुनियादी बात है लिबास के हवाले से हमारा लिबास सादा है पाक है और सातिर है ठीक है ये हमारी उसूली जिम्मेदारी है यानी वो हमें पूरे तौर पर छुपाए जो छुपाना है कवर करे वो पाक हो और सादा हो यानी उसके ऊपर यानी एक उसका यानी हम अपनी एस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बग़ैर एस्थेटिक्स पसंद की गई है तो एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए लिबास पे जो जायज़ खर्चा है वो हो तो हलिए को तकवे से रिलेट करना तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है खैर इन मतलब जो तकवा है जो बच्चे से अपना अच्छा ताल्लुक बनाइए और बच्चे से हाँ ये वाली बात के बुराई में अट्रैक्शन है इसको समझना है ये पॉइंट ये बहुत है अगर नफ्स का तजकिया नहीं होगा तो बुराई में अट्रैक्शन होगी अगर देखिए हमारे हम जितना नफ्स का नफ्स का तजकिया जितना ज़्यादा होगा तो उसे उस अमल में कराहियत महसूस होगी यानी जो इनकलेशन ऑफ सेल्फ है ना वो बेहतर हो जाएंगे यानी पहले गीबत में मज़ा आता था अब उस पर कराहियत होती है तो वो एक जौक जो है ना यानी बंदगी जौक की सतह पर अभी बंदगी शूर की सतह पर भी नहीं पैदा हुआ है जौक की सतह पे तो बहुत आगे की बात है यानी ये की बात है शूर ये है कि ये जो गुफ्तु हो रही है ये गीबत है मुझे नहीं करनी चाहिए जौक ये है कि ये गुफतगू मुझे गिरा गुजर रही है कुरान की एक कुरान में एक मुकाम बड़ा अजीब है मतलब वो तो पूरा ही मुआवजा है हर जगह ही उसमें ऐसी बातें सराः नबा की एक आयत सरा नबा का जो दूसरा आखिरी ये दो ही रुकू हैं तो दूसरे रुकू की इन निल्मी न मफाजा हदाय अनाबा व कवाबा तराबा व कासंद अच्छा जन्नत में जन्नत का ना एक जैसे हमें इमेजिन करवाया जा रहा है उसमें मतकीन तो बड़े ऐश कर रहे होंगे उनके मजे होंगे ये होगा ये होगा ये होगा और जो जो चीज़ें उसमें ऐसे क्रॉकरी होगी तो ऐसी चीज़ें होंगी जब भी जन्नत का जिक्र होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सी चीज़ों का बयान होता है वो जिक्र करते करते व कवाबातरा व का असंद कल इसके बाद एक ऐसी बात बयान हुई जन्नत के बारे में जो मुझ जैसा गुनागार आदमी जब मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी बात है कि बहुत ही पाकिजा लोग होंगे जिनको ये वाली चीज अपील करेगी ला षमाउनफीहा लगवाऊ वाला किसाबा ये इसका मतलब कोई बताएगा ला यासमा मफहम यह है कि नहीं सुनेंगे ला यासमाफीहा लगवाऊ वाला किसाबा वहां पर कोई ऐसी फालतू की मीनिंगलेस बात और झूठी बात और गलत बात कोई नहीं सुनेगा इन मतलब ऐसी जगह होगी आप सोचिए कि इससे पहले जो सारी बातें बताई जा रही हैं वो मटेरियल टर्म्स में बताई जा रही हैं ये होगा ये होगा ये होगा ये अट्रैक्शन ऑफ जन्नत लेकिन ये बात किसी के यानी सोचिए कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं और होंगे जिन्हें इस दुनिया में इतनी मतलब जो शैलोनेस है जो मीनिंगलेसनेस है जो गॉसिप है उस पर इतनी तकलीफ होती होगी कि ये वो लोग होंगे कि जब इनके लिए कुरान में ये आयत उतरी होगी तो कितना इन्हें खुशी हुई होगी कि अच्छा वहां पर मतलब क्योंकि उनके लिए जो ज्यादा बड़ी चीज मतलब उनके लिए ये वाली आयत ज्यादा रिवॉर्डिंग होगी कि अल्लाह ने कहा कि वहां कोई ऐसी बात नहीं होगी बात समझ आ रही है। तो कुछ लोग इंक्लिनेशन ऑफ सेल्फ हमारे बेहतर हों गुना अपनी जगह मौजूद है गुना के अंदर अपनी एक अट्रैक्शन है लेकिन मेरे अंदर उसके लिए जो इंक्लिनेशन है वो ठीक हो मैं मेरे लिए गुना गुना की रगबत जो है वो ख़त्म हो जाए ये तजकिए से पैदा होता है और यही तरब का एसेंस है